हेलो फ्रेंड्स यह वीडियो सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यू सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं या जो न्यू सिलेबस में एग्जाम्स देना चाहते हैं सो so, इंस्टीट्यूट ने सीएमए इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस का जो चैप्टर्स है वो हमें बता दिया है लेकिन अभी बुक्स नहीं आई हैं पेपर नंबर फोर्टीन सी फाइनल का न्यू सिलेबस ट्वेंटी आपके सामने है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर आपका कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है और लीजिंग का चैप्टर है पहले भी ये चैप्टर हुआ करता था अभी भी ये चैप्टर है कैपिटल बजटिंग पार्ट वन कैपिटल बजटिंग पार्ट टू एंड लीजिंग ठीक है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सारे चैप्टर्स पहले भी थे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जहां पर डेरिवेटिव की बात कही जा रही है इंटरनेशनल मार्केट मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बात की जा रही है डिजिटल फाइनेंस ये एक नया टॉपिक है डेफिनेटली थ्योरी ही होगा सो so, यहां पर अगर जो बच्चे न्यू सिलेबस में एग्जाम देना चाहते हैं और न्यू सिलेबस का बुक का इंतजार कर रहे हैं तो कर सकते हैं फिर हमारा जब नया बैच शुरू होगा तो नए सिलेबस में हम नया बैच यहाँ पर आपको पूरा देने वाले हैं लेकिन अगर जिनके पास टाइम नहीं है जिनको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा दोनों ग्रुप आगे जाकर तो आप अपने सी फाइनल का जो हमारा ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है उसको आप ले सकते हैं जो भी एडिशनल चेंजेस आएगा वो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे ठीक है अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो अभी हमारा जो सी एम फाइनल का जो जा रहा है लेक्चर वो आप ले सकते हैं प्लस जो भी अगर हमारा नया जो एडिशन होता है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है या तो आप फिर वेट कर लीजिए यहां पर कुछ बच्चे फेस टू फेस की क्लासेस की बोल रहे थे तो यहां पर कैलकाटा में हो सकता है कि यहां पर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स की फेस टू फेस क्लासेस मैं कंडक्ट करूं काफी डिमांड है वहां पर काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एक सी फाइनल और सी फाइनल डेफिनेटली की फेस टू फेस क्लासेस का जो न्यू सिलेबस का होगा वो कंडक्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आप डेफिनेटली हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए आप अपने इंक्वायरीज को हमें दे दीजिए जैसे भी हमारा कुछ अनाउंसमेंट आता है तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे ठीक है आपको इस वीडियो के बाद नंबर हम फ्लैश कर देंगे आप नंबर नोट कर लीजिएगा और जो भी इंक्वायरीज है आप डेफिनेटली उसे करिएगा और अकॉर्डिंगली अपने क्लासेस को पूरा करिए ठीक है अभी सी का काफ़ी डिमांड आ रहा है काफ़ी अच्छा हमारा एम का रिजल्ट आ रहा है बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है सीएमए फाइनल एस में और अच्छी पैकेज भी लग रही है काफी अच्छा यहां पर अभी मेरे को याद है लास्ट अटेम्प में ही रोहिणी जी को थर्टी लैक्स के अराउंड का पैकेज लगा था सो तो सी का बहुत डिमांड बढ़ रहा है सीएमए का बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और आप लोग डेफिनेटली इसको अच्छे से करिए और रैंक लाने का टारगेट कीजिए और रैंक आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है ठीक है तो ये पूरा सिलेबस है आपको इतना अभी रीड करने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी क्लासेस हम दे ही रहे हैं जो भी एडिशनल चीज़ें होंगी वो हम आपको अलग से दे देंगे अगर आप करंट बैच में ज्वाइन करते हैं और अगर आप फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू सिलेबस में तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बुक्स आने दीजिए और अपना इंक्वायरी हमें दे के रखिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको टाइम पे पास ऑन कर देंगे आइए कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के जिससे आप मोटिवेट हो सके और आप भी इतना ही अच्छा कर सकें आप देख सकते हैं निखिल रेड्डी ऑल इंडिया रैंक पर इनका आया था और ये 98 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया था एस में जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा 98 परसेंट मार्क्स और बहुत अच्छी कंपनी में अब इनका रिक्रूटमेंट हुआ है और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये फाइन सर सो जो भी न्यू सिलेबस का जो ये पी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अगर आप इसको रेफर करना चाहें कर सकते हैं बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है फिर भी आपको कोई क्वेरी है सी एम ए फाइनल एस एफ एम से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा आपके सारे क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा साथ साथ मैं आपको सी एम ए फाइनल ट्वेंटी ट्वेंटी टू का इलेक्टिव पेपर के बारे में भी बता देता हूँ तीन इलेक्टिव पेपर आप लोगों को दिए गए हैं ट्वेंटी ए ट्वेंटी बी ट्वेंटी सी ट्वेंटी ए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं ट्वेंटी ए जिसका नाम है एस पी एम एंड बी वी तो आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है ऑलरेडी पुराने सिलेबस की तरह ही है और मोस्ट जो चैप्टर्स जो यहाँ नज़र आ रहे हैं वो पहले जो चैप्टर्स थे वही हैं थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको डेफिनेटली अलग से करवा दूँगा अगर आप इसकी भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अदरवाइज़ आप वेट करना चाहते हैं बुक्स का इंतज़ार करना चाहते हैं आप बुक्स का इंतज़ार भी कर सकते हैं सो so, एलेक्टिव पेपर का एक नया कॉन्सेप्ट आया है सी फाइनल के सिलेबस में और आप देख सकते हैं ट्वेंटी ए सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है एलेक्टिव पेपर और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप भी ट्वेंटी ए में ही जाइएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है आप देख सकते हैं मार्कशीट जब भी कोई मार्कशीट देखा जाता है तो दो पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग निकलता है एक एस और एक पेपर नंबर ट्वेंटी जिसको मैं बोल रहा हूँ एस पी एम एंड बी वी देख सकते हैं यहां पर निखिल रेड्डी का 97 परसेंट मार्क्स मिला है इन्हें तो आप समझ सकते हैं कि दिस पेपर इज वेरी वेरी स्कोरिंग और आप इस पेपर में भी अच्छा करने का सोच सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको पेपर नंबर एंड पेपर नंबर ट्वेंटी ए के बारे में बताया न्यू सिलेबस का पूरा सिलेबस आउट हो गया है चैप्टर्स आउट हो गए बुक्स आना बाकी है अगर टाइम है आपके पास तो वेट कर लीजिए टाइम नहीं है तो आप ऑलरेडी जो क्लासेस है उसको करिए और जो चेंजेस आएगा वो अलग से दे दिया जाएगा और भी कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे चलकर जब भी मेरी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आए आपके पास सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन पहुंचे थैंक यू सो मच